हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तो आज करेंगे क्लास प्लस वन का चैप्टर टू स्टार्ट करेंगे दैट इज फर्स्ट टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ठीक है तो सेकंड चैप्टर जो है सेकंड चैप्टर का नेम क्या है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तो फर्स्ट टॉपिक भी क्या होएगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तो फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो वेरी वेल वॉट इज बायो बायो मीन्स लिविंग ठीक है

तो व्हाट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन तो आप देखोगे हमारे इन्वामेंट में कितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हो तो अगर आप प्लांट के बारे में बात करो प्लांट तो कितने सारे बड़े बड़े ट्रीज़ हैं ठीक है या फ्लावर है छोटे हर्ब श्रब्स कितने सारे आगे तो ऐसे ही आप एनिमल कैटेगरी में ला लो एनिमल कैटेगरी में तो ठीक है आप देख सकते हो कितने सारे एनिमल्स आप देखोगे लेकिन उसके साथ हमारे पास क्या है माइक्रो ऑनिज़म्स भी हैं ठीक है या जैसे बैक्टीरिया वगैरह हो गया वायरस वगैरह हो गया ठीक या उसके बाद हम बोल सकते हैं कि मॉस हो गया फंजाई होगी, होगी, सारा 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 ये सारा का सारा जो है, है? So, इसमें क्या है? Classification means कि हमने इन चीजों को एक प्रॉपर वे से क्लासिफाई कर दिया एक प्रॉपर ग्रुप्स में रख दिया ठीक है एग्जाम्पल ले, लेते हैं फॉर एग्जाम्पल स्कूल है ठीक है स्कूल है हमारा फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टू ट्वेल्थ क्लास तक तो डेफिनेटली रूम्स भी इतने सारे होंगे फर्स्ट क्लास के लिए भी सेकंड क्लास के लिए भी थर्ड क्लास के लिए फोर्थ तो ऐसे फर्स्ट लेकर ट्वेल्थ तक हमारे पास कितने सारे रूम हैं ठीक है थीके? इतने सारे रूम्स हैं हमारे पास बच्चों के लिए तो तो फर्स्ट क्लास के बच्चों का जो रूम है उसके बाहर हमने नंबर प्लेट लगा दी फर्स्ट uh, क्लास जो सेकंड क्लास के बच्चों के लिए रूम होगा सेकंड क्लास लिख दिया ट्वेल्थ क्लास के बच्चों के लिए होगा ट्वेल्थ क्लास लिख दिया तो ये हमने नंबर प्लेट क्लास के बाहर क्यों लगाई ताकि कोई भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम ना हो ठीक है हमें पता हो कि ये रूम है उसके बाहर नंबर प्लेट लगी है तो हम ये वाली क्लास में एंटर करेंगे ये वाली क्लास में हमारी स्टडी होगी उसके बाद हम बात करेंगे सिलेबस की नो well जो हमारी जो क्लासेस क्लासेस के भी हमारा सिलेबस चल रहा है फर्स्ट क्लास के बच्चों के लिए उनके एज के बच्चों तक जो भी सिलेबस है ट्वेल्थ क्लास के बच्चों के लिए टेंथ क्लास के बच्चों के लिए नाइन्थ क्लास के बच्चों के लिए एट क्लास के बच्चों के लिए ऐसे ऐसे क्लास वाइज हमारा सिलेबस डिवाइड है ऐसे तो नहीं होता कि चलो ठीक है टेंथ क्लास के बच्चों को हम थर्ड क्लास का सिलेबस कराना स्टार्ट कर दें या थर्ड क्लास के बच्चों को हम ट्वेल्थ क्लास का सिलेबस स्टार्ट कर दें नो हमने एक प्रॉपर सिक्वेंसिस से सीरीज से ग्रुप से एक अच्छे मैनर से हमने क्लासेस को डिवाइड किया है फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास थर्ड क्लास फोर्थ क्लास ऐसे डिवाइड कर दिए उसके बाद हमने सिलेबस की डिवीजन की ताकि हमें परेशानी ना हो पढ़ने में ठीक है हमने लो टू अप जाना है अप टू लो नहीं जाना ठीक है तो डेफिनेटली सबसे पहले हम छोटा सिलेबस करेंगे नेक्स्ट क्लास में शामिल हुए हम थोड़ा और बड़ा करेंगे नेक्स्ट क्लास में जाएं हम थोड़ा और बड़ा करेंगे ऐसे हमारी सिलेबस की जो डिवीजन है वो थोड़ी इंक्रीज होगी एक्सपैंड होगी थोड़ा ज़्यादा सिलेबस होगा तो ऐसे चलो वो तो हमारी क्लास का सिस्टम हो गया आपको पता चल गया कि ठीक है सिलेबस की डिवीज़न कैसे होगी हमारी क्लासेस के अकॉर्डिंगली लेकिन जब हमने जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है प्लांट्स हो एनिमल्स हो या माइक्रोनिज्म हो कुछ भी हो तो ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमने कैसे क्लासिफाई किया कैसे इसको हमने ग्रुप में रखा तो सबसे पहले हमने रखा बैक्टीरिया को सबसे पहले हमने पोषण दिया बैक्टीरिया को उसके बाद आए प्रोटिस्ट क्योंकि जो बैक्टीरिया है इसके करेक्टर को देख के हमने फर्स्ट में रख दिया ठीक है इसके यूनिसल ऑर्गनिज्म इतने मतलब इतने ज़्यादा वो डिवेल डिवेल्प बॉडी नहीं है उसके बाद हमने रखा प्रोटिस्ट को तो उससे बड़ी चीज़ के आ गई फंचाई उससे बड़ी चीज क्या प्लांट्स तो उससे भी ज़्यादा बड़ा क्या आएगा एनिमल्स ये नहीं कि हम एनिमल्स को सबसे पहले रखें जो भी एनिमल्स हैं तो बैक्टीरिया को सबसे एंड में दें नो सबसे पहली चीज जो छोटी वाली चीज है वो लेंगे बैक्टीरिया के करेक्टर्स देख के उसकी दे के या उसका एवोल्यूशन देख के ठीक है क्योंकि बैक्टीरिया को आप अपनी आईस नेक्ड आई से नहीं देख सकते आपको माइक्रोस्कोप सी आ, की हेल्प से आप देखना पड़ेगा ठीक है ना तो इसीलिए सबसे छोटी वाली चीज को पहले रखेंगे उससे बड़ी वाली चीज़ उससे बड़ी वाली चीज़ उससे बड़ी वाली चीज ये क्यों रख रहे हैं उसके करेक्टर्स देख के उसकी मॉर्फोलॉजी देख के सब कुछ देख के हमने इसको क्लासीफाई कर दिया तो सबसे पहले हमने रखा बैक्टीरिया को उसके बाद रखा प्रोटिस्ट को उसके बाद रखा फंजाई को उसके बाद रखा प्लांट्स तो सबसे बड़ी कैटेगरी कौन सी आ गई एनिमल्स को सो दिस इज कॉल्ड एज अ अड सीरीज़ ऑफ ग्रुप ऑन बेसिस ऑफ़ देर रिलेशनशिप्स मॉर्फोलॉजिकल मॉर्फोलॉजी मींस क्या होती है उसकी एक्सटर्नल अपीयरेंस जैसे आपको आप हो ठीक है आप कैसे नज़र आते हो आपकी बॉडी स्ट्रक्चर क्या है प्लांट प्लांट की जो बॉडी आपको नज़र आती है उसकी जो बॉडी है अपेयरेंस है दैट इज कॉल्ड एज अ मॉर्फॉलोजी जो भी आप अपनी आई से किसी भी चीज़ को किसी की भी चाहे प्लांट को एनिमल को ह्यूमन बींग को देखते हो उसकी जो बॉडी है दैट इज़ कॉल्ड एज अ एक्सटर्नल अपेयरेंस दैट इज कॉल्ड एज अ मॉर्फोलॉजी सो इसके एडवांटेजेस क्या है हमें मतलब हमें क्या फ़ायदा है इसका क्या बेनिफिट्स हैं क्या इसके मेरिट्स हैं क्या एडवांटेजेस हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के सो फर्स्ट इट मेक्स दियर स्टडी कन्वीनियंट जैसे हमने क्लास का लिया बड़ा आसान होता है ना इजी होता है कि फर्स्ट क्लास का सिलेबस उस बच्चों को करना पड़ेगा ठीक है फर्स्ट क्लास में तो डेफिनेटली जो भी सिलेबस वो हमें वो टफ़ लगता है तो क्लास वाइज हमने एक सिलेबस की डिवीजन की अगर हम फर्स्ट क्लास के बच्चे को सेकंड क्लास के बच्चे को क्लास टेंथ का सिलेबस करवाएंगे तो डेफ़िनेटली वो वाले बच्चे उसको बहुत टफ़ मानेंगे हमसे हम, हम जितने भी बच्चे होंगे फर्स्ट क्लास के सेकेंड क्लास के वो कोई भी उसे अडेप्ट कर पाएगा कोई भी पढ़ नहीं पाएगा ठीक है तो ऐसे ही जो भी क्लासेज हैं जैसे हमने पार्टीशन किए फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास थर्ड क्लास फोर्थ क्लास बाहर नंबर प्लेट लगा दी तो हमें कितना आसान होगा ठीक है हम बाहर देख के बोल देंगे कि हाँ ये ट्वेल्थ क्लास है ये वाली हमारी टेंथ क्लास है ये वाली हमारी थर्ड क्लास है ये वाली हमारी फर्स्ट क्लास है नंबर प्लेट देख ठीक है तो ऐसे हम अगर और भी इसको अच्छे वे में करना चाहे तो हम क्या करेंगे सबसे पहले फर्स्ट क्लास का रूम लगाएंगे उसके बाद सेकेंड क्लास का उसके बाद थर्ड क्लास का उसके बाद फोर्थ क्लास का तो हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी रूम्स देखने में या ढूंढने में फाइंड आउट करने

तो हमें पता है कि सबसे पहला छोटे ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं बैक्टीरिया उससे बड़े वाले कौन से हैं प्रोटिस्ट नेक्स्ट फंजाई प्लांट्स एंड एनिमल्स तो हमें इसकी स्टडी करना और भी आसान होएगा कन्वीनियंट ऑफ फेटेडिशन जैसे हमने बोला कि अगर हम ऐसे ही रखें कि क्लास फोर्थ सेकेंड थर्ड फोर्थ तो हमें क्लास टू नहीं आसान हो जाएगी तो डेफिनेटली अगर हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमें ऑर्गेनिजम्स को फाइंड आउट करना उसको आइडेंटिफाई करना आसान होएगा तो नेक्स्ट है इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर इन द वेरियस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स और क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि कैसे कैसे उसका लेवल इंक्रीज हो रहा है मतलब उसकी बॉडी कितनी कॉम्प्लेक्स हो रही है तो जैसे ये वाले हैं बैक्टीरिया उसके बाद क्या आए प्रोटिस्ट मतलब और उसकी बॉडी कॉम्प्लेक्स होगी उससे नेक्स्ट क्या है फंजाई उसकी बॉडी और कॉम्प्लेक्स होगी मतलब वेल डिवेलप्ड होगी नेक्स्ट आए प्लांट्स डेफिनेटली इसके इसमें कितने सारे करैक्टर्स होंगे कितनी सारी कॉम्प्लेक्सिटी होगी नए नए करैक्टर्स आप देखोगे नेक्स्ट है एनिमल्स तो इन इस चीज से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से हमें स्टडी करना आसान है तो जैसे आप कितना अच्छा डायग्राम ये वाला देख सकते हो आ, जो हमने किया प्रोक्रियोट प्रोक्रियोट में क्या है बैक्टीरिया फिर प्रोटिस्ट फिर फंजाए फिर प्लांटे फिर एनिमेलिया ये जो प्रोक्रियोट है प्रोक्रियोट में क्या आएंगे है? बैक्टीरिया आएंगे तो यहाँ पर लिखा होगा यूक्रेट यहाँ पर कौन से आते प्लांट फंजाई एनिमल्स एंड एन प्रोटिस्ट तो आपको डिफरेंस तो पता ही होगा प्रोक्रॉड्स एंड यूक्रॉड्स में एंड में प्रो है फर्स्ट अगर किसी को नहीं पता तो प्रो है फर्स्ट वो वाले ऑर्गेनिज्म जो सबसे फर्स्ट आए पहले आए जैसे बैक्टीरिया वगैरह हो गए ठीक है प्रो प्रोमीन्स फर्स्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रो प्रोमीन्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन जिसकी बॉडी एक सेल से बनती है और हम भी क्या है यूक्रॉड्स हैं लुलर ऑर्गेनिजम्स की इन सभी की बॉडी कितने सारे सेल से बनती है लेकिन जो प्रोक्रॉइड है ठीक है जैसे बैक्टीरिया है दैट इज मेड अप ऑफ ऑल यूर वन सेल इन केस ऑफ यूक्रॉड्स इट्स बॉडी